नमस्कार दोस्तों, चलिए तो इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण आर्टिकल या एडिटोरियल के बारे में। क्या जातिवाद और जातीयता का कभी अंत होगा? इसके संपादक हैं बद्री नारायण। ठीक, अगर आप किसी हाईवे पर यात्रा कर रहे हो तो आपके सामने जा रहे वाहन के पीछे जातिगत गर्व एवं मिता से जुड़ी कुछ बातें लिखी मिल जाएंगी। क्षत्रिय ब्राह्मण यदुवंशी ब्रह्मा समाज जाटो दोपुत्र जट दफुत्र जैसी पंक्तियां लिखी मिल जाएंगी। कुछ वाहनों पर भगवान हनुमान, कहीं साईं भगवान तो कहीं संत रविदास का चित्र बना मिल जाएगा। आजकल सोशल साइट्स पर विभिन्न जातियों के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और पेज इत्यादि भी सक्रिय हैं। क्या यह संकेत हैं कि विकसित और नागर मध्यवर्गीय समाज में नवधनवान हो रहे हैं? लोगों में जातिवाद या जातीय प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पहले माना जा रहा था कि विकसित मध्य वर्ग के विकास व विस्तार के बाद जाति भाव एवं जातीय अस्मिता की चाह है कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सार्वजनिक रूप से अपने जातिगत भाव के प्रदर्शन की बढ़ती प्रवृत्ति बताती है कि बेहतर जीवन प्राप्त करने के साथ साथ शायद अस्मिता की चाह भी बढ़ती जा रही है। यह अस्मिता चाहे जाति की हो, धर्म की हो या दोनों की हो। यह माना जाता था कि गरीबों और पिछड़ों का जीवन जैसे जैसे बेहतर होगा, जाति एवं जातिवाद की राजनीति कमजोर होगी। लेकिन जमीन पर कुछ और होता दिख रहा है। मध्यवर्गीय भाव आते ही हम में अस्मिता निर्माण एवं प्रदर्शन कर भाव जगने लगता है। जाति भाव होना, जातीय अस्मिता का भाव होना दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। हालांकि जाति अस्मिता को सामग्री जाति भाव से ही मिलती है, किंतु जाति भाव जहाँ लोगों के रोजमर्रा के जीवन में सहज पहचान के रूप में कार्य करता है, वहीं जातीय अस्मिता जाति भाव को रूढ़ करके उसे आक्रामक बना देती है। जैसे जैसे लोगों, समुदायों एवं समाजों के विविध वर्गों में धन्य धान आता जा रहा है, जीवन में बेहतरी आती जा रही है, हमें अपनी पहचान नए रूप में गढ़ने व उसका दिखावा करने की जरूरत महसूस होने लगी। यह ठीक है कि बढ़ती शहरीकरण व विकास की आकांक्षा के कारण जाति व्यवस्था में बहिष्कार की प्रवृत्ति कम हुई है, आपसी संवाद का अभाव बढ़ा है, शहरी जीवन में छुआछूत की प्रवृत्ति भी कम हुई है। बाबा अम्बेडकर ने यह चाहा था कि हमें एक दिन बूंद के समान मानवीयता के विशाल समूह में समा जाना चाहिए, किंतु दुर्योग से बाबा साहब की चाहत के विपरीत हम आज समाज रूपी समुद्र में खुद को खोने से बचाने के जतन में लग गए। शायद हम सर्व समाज एवं सम समाज का हिस्सा तो होना चाहते हैं, किंतु हम अपनी पृथकता भी बचाए रखना चाहते हैं। इसे बचाए रखने का एक तरीका है अपनी विशिष्टता का निर्माण। अपनी विशिष्टता के निर्माण का स्रोत कई बार हम आधुनिकता से प्राप्त करते हैं और कई बार वह पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था की रीति नीति और तरीकों से। जीवन में सफल होना, अच्छी नौकरी, अच्छा रहन-सहन में हमें हमारी विशिष्टता तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही हम जातीय विशिष्टता, जातीय गर्व का भी इस दिशा में इस्तेमाल करते हैं। आधुनिकता से हमें तकनीक की ताकत मिलती है, जिससे हमें अपनी जातिगत या जातीय पहचान मजबूत करने लगते हैं। हमारी आधुनिक जीवन प्रणाली की देन है शासन प्रशासन के क्षेत्र में जनतंत्र का विकास। जनतंत्र का एक महत्वपूर्ण रूप है चुनावी जनतंत्र। चुनावी जनतंत्र में गोलबंदी के कई तत्व, प्रकार और पीड़ाएँ होती हैं।
जाति व धर्म ऐसे ही तथ्य हैं जिनमें से हमारी चुनावी जनतंत्र में वसार से गोलबंदी का काम साधा जाता रहा। इस प्रकार हमारे चुनावी जनतंत्र ने भी जातीय भाव को मजबूत किया है। टिकट वितरण से लेकर सरकार गठन तक जातिगत पहचान का मत हम खुलेआम देखते हैं। जाति की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। आज फिर से जाति गर्व के लोकगीत सुने जाने रह सकते हैं। शहरों में होने वाले आयोजनों में अनेक प्रकार के बिरहा और लोकगीतों को सुना जा रहा सकता है जिनमें जातीय गर्व का वर्णन होता है। इसी प्रकार धार्मिक पहचान के गुण गान भी आसानी से मिल जाएंगे। गौर करने की बात है कि जब हम खुद को गौरवान्वित करते हैं तो इस प्रक्रिया में दूसरों को कई बार नीचा भी दिखाते हैं। भविष्य में क्या होगा? क्या भारत में आधुनिक तरह से जातिवाद बढ़ेगा या उसके बनने और बढ़ने की प्रक्रिया कमजोर होगी? चलिए दोस्तों, तो ये था जातिगत से संबंधित आर्टिकल।